अब बारी है चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है निधि कुमारी जी ने विमेंस कॉलेज पटना से। एक बार एक बाप ने बेटे से कहा, गधे उल्लू के पट्टे नालायक, 100 में 0 नंबर, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। लड़का बोला, हाँ पापा मैंने टीचर का घर भी देख लिया है। अगला चुटकुला भेजा है विपिन कुमार चौरसिया जी ने छपरा से। एक बार बाप ने बेटे से कहा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ जी? बेटा बोला, पापा गुरुजी कह रहे हैं 1 साल और लगेगा। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बरसों लग जाए, पर फेल मत होना। अगला चुटकुला भेजा है संजय कनौजिया जी ने देवघर से। एक बार बाप ने बेटी से पूछा, बड़ा होके क्या बनना चाहती हो जी? बड़ा होके क्या करोगी? बेटी बोली, शादी करूंगी। अभी से किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचा जाता है यार। अब बारी है फरमाइशी नगमे की। तो भैया फरमाइश किया है सज्जाद अली अंसारी जी ने सिवान से कि हम उनकी पसंद के 2 गाने सुनाए। सज्जाद साहब, आपकी नजर में ये 2 गाने। अगला चुटकुला भेजा है अभिमन्यु कुमार ओझा जी ने मधुबनी से। एक बार बेटे की जैकेट की तलाशी लेते हुए बाप को 2 सिगरेट और 4 लड़कियों के नंबर मिले। बाप ने बहुत धो धो के मारा और पूछा, नलायक कब से चल रहा है ये सब, बता कब से चल रहा है? लड़के ने बोला, पापा पापा ये मेरी जैकेट नहीं आपकी है, अब आप बताइए कब से चल रहा है ये सब। अगला चुटकुला भेजा है अभिषेक पांडे जी ने गोपालगंज से। एक बार एक चोर गारमेंट्स की दुकान से चोरी करके पकड़ा गया। पुलिस वाले ने पूछा, चोरी करते वक्त तुझे अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया? चोर ने बोला, साहब बहुत ख्याल आया था, पर क्या करता, वहां पे खाली जेंट्स का कपड़ा था। अगला चुटकुला भेजा है चंद्रेश सिंह जी ने रांची से। एक बार 3 लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचे और भगवान से बोले। पहले आदमी ने बोला, भगवान जी मैं वकील हूँ, मैंने कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवाई है, हमको स्वर्ग मिल दीजिए। भगवान बोले, दुष्ट झूठ बोलता है, चल भग। फिर डॉक्टर आया, साहब भगवान जी हमने हर आदमी का रोग ठीक किया है, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, घड़ी तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है, हमको बचा लीजिए। चुप, झूठ बोलता है, बाहर करो इसे। तीसरा आदमी आया, भगवान ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने क्या किया है? भगवान जी हम शादी शुदा आदमी हैं, कपड़ा लत्ता बर्तन, बस बस बस, रुलाएगा क्या, ले चलो स्वर्ग में इनको। ये सब इन चुटकुलों के बाद अब बारी है गानों की। तो सुनिए गाना नंबर 1, 7 एंड 6।